हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 अगस्त को झंडारोहण के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा करें पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त से प्लास्टिक के बने सामानों पर भी प्रतिबंध लगाने की कही बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 20वें ब्लॉक के रूप में नए विकास खंड भरोहिया का किया शिलान्यास। कहा, इस क्षेत्र के विकास के लिए आम लोगों की सहभागिता है जरूरी। बेलीपार थाना क्षेत्र डवर पार के पास से पुलिस ने 60 ड्रम स्प्रिट किया बरामद। एक अभियुक्त गिरफ्तार, एसपी क्राइम ने किया खुलासा। पॉलिथीन मुक्त प्रदेश बनाने का गृह जनपद से मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। 15 अगस्त से वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संतुलित करने का लिया संकल्प। लूट व चोरी के 3 मोबाइल व 10,000 रुपए तथा लूट में उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल अपाची सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने कहा, गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना है आपराधिक इतिहास। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। 5 से 8 गुना सस्ती मिलेगी सभी जेनरिक दवाएं। चोरी के सामानों के साथ एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। आंगनवाड़ी बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा के मंडलीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पेंशन देने की मांग। चोरी के मोबाइल फोन सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जायसवाल महिला विकास समिति द्वारा किया गया पौधारोपण। पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी है नैतिक जिम्मेदारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन। सेल्फी विद कैंपस अभियान पर किया विस्तृत चर्चा। और जिला फुटबॉल लीग में फ्लावर डेल सॉकर ने डीबी फुटबॉल क्लब को और यूनाइटेड यंग्स क्लब ने स्प्रिंगर फुटबॉल क्लब को 1-0 के अंतर से दी मात।